थोड़ा बोलिए हमारे ऑडियंस को, थोड़ा सपोर्ट करेंगे। सभी लोग सपोर्ट कीजिए भैया को, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत दूर से आए हैं, बहुत मेहनत की, जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट किए हैं उस तरह से भैया को भी सपोर्ट कीजिए। अच्छा सा कंटेंट डालते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं जो मतलब बोल के ही बोले, जो सपोर्ट कीजिए, चैनल में जाइए, इनका वीडियो देखिए और इनका मेहनत देखिए और उस हिसाब से इनको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको तो। कैसे प्यार मोहब्बत हो गया इनसे? प्यार मोहब्बत हो गया शुरू शुरू में आई कॉन्टेक्ट हुआ, देखे इनको, ये मुंबई में रहती थी और मेरे मोहल्ले की थी, लेकिन हमको पता नहीं था, तो ये आई थी हाल फिलहाल में, उस टाइम में नया नया में आई थी, तो भोज भात जो होता है ना गाँव घर में, तो भोज हुआ था तो उसमें गए थे, ये भी आई थी, हम भी गए थे, तो आई कॉन्टेक्ट हुआ था, उस दिन थोड़ा बात नहीं हो पाया था, फिर 10-15 दिन के बाद कोई शादी हुआ मोहल्ला में उसमें आई, तो फिर आई कॉन्टैक्ट के साथ साथ थोड़ा इशारा उशारा हुआ, उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद फिर कोई शादी हुआ तो उसमें आए, तो उसमें फिर इनको नंबर दिए, अच्छे से बात किए और फिर उसके 10-15 दिन 20 दिन बाद ये हमको कॉल की किसी के मोबाइल से, इनके पास मोबाइल नहीं था इसलिए इतना टाइम लग गया, तो फिर कॉल की तो फिर इनसे बात। नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी और स्वागत है आप लोगों का राजू सोनी यूट्यूब चैनल में। अभी जो है से कि हम मधुबनी ज़िला में आए और मधुबनी आए हुए हैं करण भैया से मिलने के लिए, इनसे बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले स्वागत है हमारे राजू सोनी यूट्यूब पे। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास और आपके जितने भी यूजर हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम नमस्कार सभी को। तो भैया थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताइए कि आप अभी जो इतना ज़्यादा वायरल हुए हैं, कब से आप यूट्यूब पर काम कर रहे थे? YouTube पे तो अभी लगभग 4th साल चल रहा है और ओवरऑल अगर बात करें तो 8 साल से हम सोशल मीडिया पे हैं। 8 साल से? जी 8 साल से। इतने दिन से मेहनत कर रहे थे लेकिन अब जाके पब्लिक का कुछ प्यार दुलार मिल रहा है? पब्लिक का प्यार दुलार 4 साल पहले मिल गया था। अच्छा। लेकिन उस टाइम में टिकटॉक पे वायरल हुए थे और कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं थे, सिंगल टिकटॉक पे थे और 2 ID था हम लोग का, पहले तो 1 ही ID था, बाद में 2 ID बनाए थे और एकाएक बैन हो गया टिकटॉक, तो वहाँ से फिर डिप्रेशन में चले गए, 1.5 साल बैक हो गए, उसके बाद फिर शॉर्ट का ऑप्शन आया तो फिर से आए, अब अभी जो देख रहे हैं आप लोग के सामने है जो है सो। तो भैया आप लोग पढ़ाई लिखाई कितना तक किए हमने? हम तो पढ़ाई किए हैं, नन इंटर किए हैं, मैट्रिक पास है, इंटर में जाने के बाद शादी कर लिए थे तो उसके बाद फिर पढ़ाई नहीं किए। अब भाभी जी आप? हम भी 7th क्लास पढ़े हैं। अच्छा, तो आप लोग लव मैरिज शादी किए हैं? जी जी लव मैरिज। कैसे प्यार मोहब्बत हो गया इनसे? प्यार मोहब्बत हो गया शुरू शुरू में आई कॉन्टेक्ट हुआ, देखे इनको, ये मुंबई में रहती थी और मेरे मोहल्ले की थी, लेकिन हमको पता नहीं था, तो ये आई थी हाल फिलहाल में, उस टाइम में नया नया में आई थी, तो भोज भात जो होता है ना गाँव घर में, तो भोज हुआ था तो उसमें गए थे, ये भी आई थी, हम भी गए थे, तो आई कॉन्टेक्ट हुआ था, उस दिन थोड़ा बात नहीं हो पाया था, फिर 10-15 दिन के बाद कोई शादी हुआ मोहल्ला में उसमें आई, तो फिर आई कॉन्टेक्ट के साथ साथ थोड़ा इशारा उशारा हुआ, उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद फिर कोई शादी हुआ तो उसमें आए, तो उसमें फिर इनको नंबर दिए, अच्छे से बात किए और फिर उसके 10-15 दिन 20 दिन बाद ये हमको कॉल की किसी के मोबाइल से, इनके पास मोबाइल नहीं था इसलिए इतना टाइम लग गया, तो फिर कॉल की तो फिर इनसे बात किए, उस दिन हमारा रिजल्ट भी आया था मैट्रिक का, तो बात किए और कुछ दिन के बाद इनको हम फ़ोन दिए, तो उसके बाद बात करते करते फिर सिलसिला। आप नया फ़ोन इनको खरीद के? जी नया फ़ोन दिए इनको खरीद। अच्छा भैया आपको नया फ़ोन खरीद के देते, आपको डर नहीं लगे घर में किस प्रकार रखेंगे इसको? छोटा सा फोन था ना। अच्छा, सोचे तो उसको छुपा कर रखेंगे। अच्छा, लेकिन हमको मोबाइल स्विच ऑफ करना नहीं आता था, कैसे स्विच ऑफ करें ये पता नहीं था और अब तक फोन कैसे लगाए ये भी मालूम नहीं था, कोई सेटिंग इनको नहीं पता था, फोन कैसे उठाते वो भी नहीं पता, हम मोबाइल कभी देखे नहीं थे। अच्छा, मेरे घर में पहला बार ये मोबाइल दिए, मेरे घर में किसी के पास फोन नहीं था उस टाइम में, किसी के पास नहीं था फोन। इनकी जो चाची आई थी ना बाहर से, तो उनके नंबर से हमको कॉल की। अच्छा अच्छा। तब कुछ दिन के बाद इनको हम फोन दिए जाके, मतलब पीछे से एक रास्ता था के घर के पीछे से जो गली में निकलता था और सामने से रास्ता था जो मेन रोड पे निकलता था, तो पीछे के रास्ता से जाके इनको हम फोन दिए थे, वो भी ज़्यादा दिन नहीं, 1 सप्ताह तक रखी, उसके बाद फोन इनका छीना, रिटर्न कर दिया, नहीं छीना गया मम्मी गार्जियन से। हाँ, पकड़ा इनको, कुछ पता नहीं ना था कैसे साइलेंट में करते हैं, कैसे फोन उठाए, इनको कुछ भी नहीं पता, इसलिए पकड़ा गई, इसलिए पकड़ा गई तो इनका फ़ोन छिना गया 1 सप्ताह में, हालांकि जैसे ही छिनाया दिन में छिनाया फिर शाम में इनको दूसरा फ़ोन फिर दे दिया। अच्छा जी, दूसरा फ़ोन फिर खरीद कर दे दिया, उसके बाद फिर 2-3 दिन पे जो है ना फ़ोन पकड़ाते गया, फ़ोन हम देते गए, फ़ोन पकड़ाते गया, फ़ोन देते गए। अच्छा, आपसे पूछते भी होंगे मम्मी जी की फ़ोन कहाँ से लाती हो? मम्मी बोलती थी फ़ोन कहाँ से इतना आता है, हम बोले हम मम्मी को बता दिए सारा बात,
इनके बारे में बता दो। ठेठ भाषा में एक बात बोली भी इनकी मम्मी जो वो तो गाली देके लड़का मोबाइल की दुकान खोल ले की अच्छा अच्छा इतना मोबाइल कहाँ से लाता है ऐसे करके मैथिली में बोली मोबाइल दुकान खोल ले की मतलब काफी प्रॉब्लम हुआ आपको इनको मोबाइल देने के बाद। प्रॉब्लम मोबाइल देने के बाद नहीं, मोबाइल देने से पहले हो रहा था, मोबाइल देने के बाद प्रॉब्लम क्या होगा, प्यार मोहब्बत में समझते ही है। अच्छा तो आप लोग जो है से कि गार्जियन के खुशी से शादी हुई है कि ऐसे ही? देखिए गार्जियन के खुशी से करना चाहते थे हम लोग, लेकिन गार्जियन साथ नहीं दिए, कारण था मजबूरी था, हम मेरे मम्मी पापा नहीं थे और हम गरीब थे, मेरे पास जमीन जथा नहीं था, घर नहीं था, तो इनके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं किए, तो जिसके कारण लास्ट में हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। अच्छा जी, मजबूरी ने उठाया, शौक से नहीं किए, नहीं शौक से नहीं किए, मजबूरी था उठाए। अच्छा भाई कितने दिन हो गए आपके शादी के? 11 साल चल रहा है। 11 साल? 2013 में किए थे। अच्छा 11 साल हो गया शादी। 11 साल। कितने बच्चे हैं भैया आपके? अभी हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़की है 1 लड़का है। बच्चे लोग पढ़ रहे होंगे? हाँ बच्चे पर 2 पढ़ रहे हैं, 2 अभी बच्चे हैं। बड़े वाले कितने साल के होंगे? 8 साल का। अच्छा भैया आप फैमिली ब्लॉग ही बनाते हैं कि गाना उन्हें ही गाते हैं? नहीं ज़्यादा शॉर्ट्स बनाते हैं हम लोग। अच्छा रील शॉर्ट? हाँ शॉर्ट्स हम लोग का ज़्यादा वायरल होता है, तो शॉर्ट्स ज़्यादा बनाते हैं और ब्लॉग भी बनाते हैं। ब्लॉग अब जाके बनाने लगे, पहले भी बनाते थे, पहले नहीं चलता था तो बीच में ब्लॉग बंद कर दिए थे, और अभी जब 5 लाख प्लस हुए ना तो फिर से ब्लॉग शुरू किए। अच्छा भैया यूट्यूब पर जो आप काम करना स्टार्ट किए हैं, तो आप पहले स्टार्ट किए कि भाभी जी पहले किए? ये पहले स्टार्ट किए। आप किए पहले? तो बोल रहे हैं भैया कि हम पढ़े लिखे नहीं, आप मोबाइल भी चलाने नहीं आता, तो कैसे स्टार्ट कर दिए? तब तक मैं इनको आ गया था ना मोबाइल चलाना। अच्छा, तब तो 2-3 साल बीत चुका था। मतलब दूसरे को वीडियो देख के आप समझ गए है ना कि ये सब आदमी वायरल हो रहा है, इतने आदमी देख रहा है, तो भाई हम बताए कि देखो यूट्यूब से ये घर बनाए, पैसा कमा करके ये वायरल हो रहा है। उस टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे थे जैसे क्या अमित बडाना हो गए, जैसे टिकटॉक पे 2-3-4 लड़का थे, नाम उनका अदनान था और फैजू था, ये काफी सारे बहुत सारे थे जो अच्छा खासा गेन किए थे, अच्छा खासा पैसा अर्निंग किए थे, घर उर बनाए थे, तो वही लोग का हम इनको वीडियो दिखा के फोटो दिखा के बताए इनको जैसे ऐसे ये लोग इतना तरक्की किए हैं, तो आओ बनाओ, तब ये बनाई थी। सबसे पहले आप मतलब कि वो टिकटॉक पे आए थे? जी टिकटॉक पे आए थे। टिकटॉक से आप यूट्यूब पर आ गए? हाँ टिकटॉक से डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं आए, 1.5 साल डिप्रेशन में चले गए थे टिकटॉक बैन होने के बाद, फिर ये बनाई, शॉर्ट्स का ऑप्शन आया तो ये बनाई, तो 20-25 हज़ार व्यू गया, तो उसके बाद फिर हमको ये बताई, सामने आए हम काम करके, उस टाइम लेबर का काम करते थे, तो काम करके आए थे हमको बताई, तो हम बोले देखो पहला वीडियो है 20-23 हज़ार गया है तो कुछ ना कुछ तो है, हाँ तो बनाओ देखो कहाँ तक जाता है, तो ये बनाई फिर, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे वायरल होना शुरू हुआ। अच्छा भाई अभी जो आप सोशल मीडिया पे मतलब कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ही काम कर रहे हैं कि और भी कोई काम कर रहे हैं? काम करते थे, अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है ना, मतलब जब हम लोग का वीडियो वायरल होना शुरू हुआ तो बहुत सारे लोग मिलने के लिए आने लगे, बहुत सारे मीडिया वाले आने लगे, तो काम जो करते थे ना तो काम पे जाते थे, इधर लोग आ जाते थे मिलने के लिए, तो काम छोड़ के आना पड़ता था मिलने के लिए, अब कैसे नहीं आएंगे मिलने के लिए, जो हमें सपोर्ट किए हैं, कोई दिल्ली से आ रहे हैं, कोई पंजाब से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहे हैं, तो कैसे नहीं मिलेंगे जी, जी, जी। तो बार बार काम छोड़ के आ रहे थे तो बन नहीं रहा था, और लेबर का काम है समझती है, उसमें फुल टाइम देना पड़ता है, और मिस्त्री अगर आपके भरोसे है तो मिस्त्री फिर बैठ जाता था, ऐसे में दिक्कत होता था, तो काम को स्टॉप किए और यहीं पे अपना कॉन्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जो जो रहता है पब्लिक का डिमांड सारा चीज़ देते हैं, इसी में टाइम अब नहीं बचता है, इसी में पूरा एकदम लगे रहते हैं, मतलब कि फुल टाइम यूट्यूब इंस्टाग्राम फेसबुक सारा जगह फुल टाइम। अच्छा जी आप भाभी जी? हम भी दोनों आदमी के वीडियो बनाते हैं, दोनों आदमी वीडियो बनाते हैं, ये तो बाहर में काम करना छोड़ दिए कि आप घर में काम करना छोड़ दिए? हम काम कैसे छोड़ देंगे, कौन करेगा, हम सारा घर का काम करके दोपहर में 1 बजे के बाद हम वीडियो बनाते हैं। हाँ सुबह से सारा घर का काम करते हैं, दोपहर में टाइम मिलता है, मिलता ही है 12 बजे के बाद हम फ्री हो जाते हैं घर से, तब वीडियो बनाते हैं, शाम हो जाता है वीडियो बनाते बनाते, कभी कभार सुबह में बना लेते हैं, जैसे आज जी 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 आज सुबह में ही बना लिए थे, कभी कभार बना लेते हैं, नहीं तो 12-1 बजे के बाद ही हम लोग। संजोग हम लोगों को अच्छा है कि हम आए तो भैया फ्री मिल गए, कि इनके साथ अभी वीडियो शूट हो रहा है, नहीं तो मौका नहीं देते भैया, उतना देर जितना देर टाइम दिए भैया उतना देर टाइम बहुत दिया आप लोगों को, क्योंकि बहुत देर से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लगभग 2 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, चाय ना पानी ये सब नाश्ता भी चला हम लोगों का, बहुत अच्छा लगा इनके पास आकर। और आप लोग थोड़ा रूम दिखा दीजिए, देखिए रूम भैया के यही रूम है,
आप लोग देख सकते हैं, देखिए क्या एक वायरल वाला घर है भैया। जो कौन सा घर में से आप वायरल हुए हैं? वो बगल में घर है, गाय रहती है उसमें। अच्छा अच्छा, उसको दिखा दीजिएगा आप लोग। सर दिखा दीजिए, उसमें वायरल हुआ था हम लोग का पहला वीडियो। अंदर जाइए, उसके बाद जो है ना यहाँ पर, उसके बाद इस घर के आगे में भी वायरल हुआ, जहाँ पक्का बना हुआ है। यहाँ पर भी वायरल हुआ, मतलब कि एक बार वो मतलब कि उसको बोले तो लक्ष्मीनिया घर है वो। लक्ष्मीनिया घर उसको बोलते हैं, क्योंकि वो गौ महाराज रहते हैं उसमें, गौ माता रहते हैं। इसमें भी गौ माता रहती थी, हम लोग रहते ना, इसमें भी गौ माता रहती थी, लेकिन इसमें जो गाय रहती थी ना वो डेड कर गई, बूढ़ी हो गई। अच्छा, बगल में गाय रहते थे और बगल में आप भी रहते थे? नहीं 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 नहीं, उस जिस टाइम गाय रहती थी उस टाइम हम लोग नहीं रहते थे। जिस टाइम में गाय रहती थी ना उस टाइम हम लोग नहीं रहते थे। गाय जब डेड कर गई ना तो हम लोग उस टाइम में दूसरे जगह रहते थे। जब गाय डेड कर गई तो रूम खाली हो गया। अच्छा। उस टाइम में गाय भी था नहीं, तो हमारे ठेकेदार साहब हमारी मजबूरी जानते थे हम किस तरह से रहते हैं, तो वो हमारे पास ऑफर रखे जो बउआ यहाँ घर है, गाय डेड कर गया, घर खाली ही रहता है और सामान सब ही रहता है, अगर रहना चाहो तो यहाँ रह सकते हो, थोड़ा हम लोग का भी सामान वामान का देखभाल हो जाएगा, तुम्हारे लिए भी जगह मिल जाएगा। तो हम बोले ऑफर तो बहुत अच्छा है, तो इनको हम बताए तो ये बोले ठीक है। तो उस दिन से फिर मतलब कि वो यहाँ पे रख रख दिए, घर उर सब दे दिए, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनका भी सामान का मतलब कि सब चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं। जितना प्रॉब्लम इससे पहले रहते थे जहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया। मतलब कि आराम चैन से यहाँ पे खाना है, पीना है, रहना है, वीडियो शूट करना, सब चीज़ मिल गया। यहाँ पे आए तो लोकेशन भी मिल गया, रूम भी मिल गया, अच्छा नेचर भी मिल गया एकदम। अभी आप लोग भी वीडियो बना रहे हैं, देखिए कितना अच्छा क्लीन वीडियो बन रहा है, देख सकते हैं। यहाँ का माहौल देखिए, इनके भैया का मकान के चारों तरफ से जो है ऐसे कि देखिए हरी भरी एकदम गाछ से दिख रहा है, देखिए आम का, सबसे लास्ट में मेरा घर है, उसके बाद घर देख सकते हैं। अच्छा जी, इस गली में मतलब कि सबसे लास्ट में आपका सबसे लास्ट, देखिए इधर भी जो है ऐसे कि लीची गाछी, आम का गाछी सब दिख रहा है, इधर मुरघटिया सब है, इधर आदमी को जलाया जाता है। अच्छा, इधर शमशान घाट है। अच्छा भैया, डर नहीं लगता है? शमशान घाट मतलब क्या बोलते हैं, प्रॉपरली शमशान घाट नहीं, अब किसी का जमीन है ना, जैसे कोई बूढ़ा आदमी, अच्छा अच्छा अच्छा, किसी का शौक रहता है जो अपने जमीन में, अपने जमीन में, तो बहुत सारे लोगों को इधर जलाया गया। हम वीडियो में भी हम डाले हुए, आप हमारे चैनल पे जाके देखिएगा तो पता चल जाएगा आपको। शाम के टाइम में डाल में लाश जल रहा था, हम वीडियो बनाए हुए थे, और उस टाइम का बहुत सारा हुआ है, लेकिन हम वीडियो एक ही बनाए हुए हैं, इधर सामने बगल ज्यादा नहीं, 100-150 फीट की दूरी पे। अच्छा भैया, ये गाय सब आप ही का है क्या? नहीं, हमारे गाय हमारे मालिक के बड़े लड़के हैं ना, उनका गाय है ये, दो दो गाय। हाँ, दो गाय। तो इनका सेवा पानी आप ही लोग करते हैं क्या? नहीं, हम लोग नहीं करते हैं, वो जो हमारे मालिक है ना, जो मालिक के जो बड़े लड़के जिनका गाय है ना, वो लोग करते हैं। कभी कभार कोई तरह का दिक्कत हुआ तो, जैसे रात बिरात कोई इमरजेंसी में, आप लोग यहाँ रहते हैं, हम तो अपना देखभाल थोड़ा कर, बाकी उतना जो बोलेंगे फुल टाइम नहीं करते हैं, और हमको बोलते भी नहीं है, वो देखते हैं खुद ही, जो हम लोग के पास खुद ही टाइम नहीं रहता है क्या। जी 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 जी, सही बात। एक तो सारा चीज़ करते हुए किसी तरह वीडियो बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है, जो वीडियो बनाता है उसी को पता है कि भाई कितना मेहनत लगता है। हाँ भाई, हाँ, जो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी है ना, जो देख देख के ना मतलब मुँह बिचकाने लगते हैं, जो पैसा कमाने लगा ऐसे, भाई हम उनको बोलना चाहते हैं एक बार बना के देखिए, फिर पता चलेगा आप लोगों को। अच्छा भैया, जब आप शुरू में यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट किए होंगे, तो आस पास के आदमी सबको बहुत बहुत ज़्यादा बहुत मतलब पता नहीं क्या है, लोगों की मानसिकता कुछ समझ नहीं आता है, मतलब गाली भी बक देते थे, और टोन तो पूछिए ही मत, है ना, हर कदम पे टोन बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मतलब हमारा भी वीडियो डाल दो, हमारे साथ भी वीडियो बना लो, ये करो यू करो, मतलब बहुत तरह का नचनिया बना दिया बीवी को, ऑर्केस्ट्रा में ले जाएगा, डांस करवाता है, पैसा कमाता है, मौगी का कमाई खाता है, इस तरह का बहुत सारा कमेंट सब आता था। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ आपके पास, लेकिन आप वो सोचते होंगे कि भैया एक सेल्फी ले ले आपके साथ। अब उनके घर के लोग बनाते हैं। अच्छा? अब इससे बढ़ के क्या बताएं, जो लोग ताना मारते थे अब उनके घर में लोग वीडियो बना रहे हैं, अब इससे बड़ी बात क्या सोचते हो कि आपके साथ है, मैं सेल्फी ले लेता हूं, क्लिप उठा लेता हूं, मेरे साथ फोटो रखते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे, अब इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी बताइए। अच्छा, जो लोग कल गाली देते थे उनके फोन में हम अपना फोटो देखते हैं, उनके घर के लोग बनाते हैं, हम चाहे तो अभी उनको वो दिन याद दिला सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे काम से उनको जवाब मिला बस। जी 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 जी, बहुत उनके फोन में हमारा वीडियो, अब इससे क्या ही बताए, ये फीलिंग आप समझ ही सकते हैं, कल तक जो गाली दे रहे थे वो अब फोन में हमारा फोटो रखे हैं, कोई भी ऐसे किसी का भी फोटो वॉलपेपर में सेट करके नहीं रखते हैं। नहीं रखते हैं। और उनके घर के लोग बना रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, लेडीज बना रही है, अब इससे बड़ी बात क्या होगी। हमको भी कभी कभी बोलते हैं सपोर्ट कर देने के लिए, कर देते हैं कभी कभार सपोर्ट, जी। अच्छा कंटेंट रहा, अच्छा काम कर ले तो कर देते हैं सपोर्ट, जब सबका करते हैं तो किलो का क्यों नहीं करेंगे, सभी का कर देते हैं। तो भैया, हम मुजफ्फरपुर से आए हैं,
भैया से मिलने के लिए, तो भैया क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को थोड़ा बताइए। देखिए भैया बहुत दूर से आए हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्लॉग भी बनाते हैं और इंटरव्यू टाइप का वीडियो भी बनाते हैं और एड्स भी करते हैं ना, एडवर्टाइजिंग करते हैं, तो हमको लगता है इनका एडवर्टाइजिंग से ही थोड़ा जो अर्निंग होता है वो होता होगा जी, है ना? हाँ, एडसन से बहुत कम होता नहीं होगा। हो रहा वही ना, होता भी होगा तो बहुत कम होता है, बहुत कम, हाँ बहुत कम होता है, वो समझ सकते हैं हम लोग का थोड़ा वायरल चला जाता है तो थोड़ा अर्निंग हो जाता है, लेकिन हम लोग का भी अगर डाउन रहे ना तो अर्निंग नहीं होता है, लॉन्ग वीडियो नहीं चल रहा, लॉन्ग वीडियो चलेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, यूट्यूब पे सबसे बड़ा चीज़ है लॉन्ग वीडियो, लॉन्ग वीडियो चले, शॉर्ट पे अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको सेलिब्रिटी बनना पड़ेगा, हाँ 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 जी, तभी आप कमा सकते हैं भैया, 1 लाख 1.5 लाख पे $1 बनता है, आप सोच सकते हैं कितना मेहनत है, कोई कोई वीडियो ऐसा होता है जो 3-3 लाख पे $1 बनता है। आ जाते हैं हम दुकान से में वीडियो शूट करने के लिए तो बोलता है क्या हमारे पास भी यूट्यूब चैनल है भैया कितना कमाते हो, क्या करते हो, कैसे करते हो, वो लोगों को पता ही नहीं देगा भैया क्या बोल रहे हैं, 1 लाख व्यू पे आपको $1 बनता है, $1 का कीमत अभी इंडियन रुपीज पे कन्वर्ट कीजिए तो 83 रुपीज, 82 रुपया, 83 रुपया, बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो बनाने के लिए। भाभी जी आप कुछ कहना चाहेंगे, थोड़ा देर बता दीजिए हमारे बच्चे के लेकर, थोड़ा बोलिए हमारे ऑडियंस को, थोड़ा सपोर्ट करेंगे, सभी लोग सपोर्ट कीजिए भैया को, जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत दूर से आए हैं, बहुत मेहनत की, जिस तरह से हम लोग को सपोर्ट किए हैं उस तरह से भैया को भी सपोर्ट कीजिए, अच्छा अच्छा कंटेंट डालते हैं, ये नहीं बोल रहे हैं जो मतलब बोल के ही बोले, जो सपोर्ट कीजिए, चैनल में जाइए इनका वीडियो देखिए और इनका मेहनत देखिए और उस हिसाब से इनको सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कर दीजिए अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आपको, तो बहुत मेहनत करते हैं वीडियो बनाने, बहुत बहुत दूर जाते हैं वीडियो बनाने के लिए भैया, अभी आप सिर्फ वीडियो ही बनाते, हम समझ सकते हैं हम लोग खाली वीडियो बनाने टाइम नहीं ना मिलता है, आप मानते हैं सुबह में घर से निकलते हैं वीडियो बनाने के लिए, वहाँ जाते हैं, पटना जाते हैं, समस्तीपुर, दरभंगा, हाजीपुर दूरी जाते हैं, उस दुकान का वीडियो बनाए, फिर उधर से आते आते रात हो गया, फिर कहाँ हम काम करेंगे, क्या करेंगे, हमको लगता है आप लोग के पास खाना खाने का भी काम नहीं हो रहा है, हम लोग को भी कोई नहीं जानते थे, अभी लगभग लगभग मधुबनी के 90% लोग हैं जो हम लोग को चेहरा से, भले बहुत लोग नाम नहीं भी जानते होंगे, चेहरा से लगभग 90% लोग अभी पहचान चुके हैं, काहे कि निकलते हैं ना बाहर कभी भी तो देखते हैं, जो बहुत सारे लोग सेल्फी लेने लगते हैं, घेर लेते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, फोटो वोटो लेने लगते हैं, तो इससे पता चलता है जो हाँ हम लोग को भी कुछ लोग जान रहे हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए भैया, करण भैया और पूजा भाभी जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत नेक दिल के हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ होगा बच्चे लोग को लेकर, बच्चे इग्नोर कीजिएगा आप लोग, इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छा लगा पूजा भाभी जी और भैया से मिलकर, और बहुत नेक दिल के आदमी है यार, लेकिन थोड़ा भी इनके मन में घमंड नहीं है कि भाई हम मतलब कि हमारा वीडियो वायरल हो गया तो हम ये आ रहे वो आ रहे, थोड़ा इनसे बात नहीं करेंगे, ये सब इनके मन में नहीं है, देखिए बहुत देर हम लोगों के साथ टाइम बिताए भैया, बहुत देर टाइम बिताए, बहुत अच्छा लगा इनके साथ बात करके, इस तरह सपोर्ट प्यार अपना बनाए रखिएगा दोस्तों, और इनका चैनल का जो है से कि नाम हम मेंशन कर देंगे जी, और इस वीडियो को अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे तो वहाँ भी मेंशन कर देंगे, और आप लोग जो है से कि भैया को तो इतना सपोर्ट कर ही रहे हैं, भैया को भी सपोर्ट कीजिएगा, और थोड़ा और अगर आप लोग चाह देंगे हमें और थोड़ा सा और भैया को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, बस यही बोलेंगे, जाते जाते यही बोलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस वीडियो को आप लोग किस जगह से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए, तो हमें पता चलेगा हमारा वीडियो किस किस जगह पर देखा जा रहा है, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, दीजिए अपने भाई को इजाज़त, फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो नए लोकेशन के साथ, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।